जब बोल रहे हाथ में नहीं तो क्या प्रसाद और हम लोग भी दोस्तों एकदम बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। हम लोग जाने वाले हैं कहीं कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, इतने दिनों बाद दूसरी बार निकले दोस्तों। अभी हम लोग मार्केट में पहुंच गए हैं शादी के बाद दोस्तों, पहली बार इनको शॉपिंग कराए हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। तो अभी सुबह का वक्त है और अभी टाइमिंग 7 बज रहे हैं और काफी प्यारा मौसम है, ठंडा ठंडा और बारिश हो रहा है। आज का मौसम साफ नहीं है, चारों तरफ बादल छाए हुए हैं, बारिश भी हो रहा है, हल्का बूंदा बांदी, कभी तेज हो रहा है कभी कम हो रहा है बारिश। थोड़ा सा ही बारिश हुआ है लेकिन बहुत फायदा हुआ है। देखिए धान में हल्का हल्का पानी लग गया है। देखिए दोस्तों, मेरा कपड़ा भीग गया कल शाम को, कल से ही उसे पसारे हैं और लेकर आए नहीं और बारिश की वजह से भीग गया। और दोस्तों बारिश की वजह से अरुषि, सलोनी, आकृति स्कूल भी नहीं गई हैं सब। नमस्ते, गुड मॉर्निंग दोस्तों। बारिश हो रहा है और वो बारिश में गए हैं वीडियो अपलोड करने 1 किलोमीटर दूर घर से। सुबह ही उठते हैं, चले जाते हैं वीडियो एडिटिंग करके अपलोड करने 1 किलोमीटर दूर, क्योंकि उधर नेटवर्क फास्ट पकड़ता है, इसीलिए इधर नेटवर्क बहुत स्लो पकड़ता है। इतने बारिश में गए हैं वीडियो अपलोड करने और अभी भीगते हुए आएंगे। आज गाँव के दक्षिण साइड आए हैं वीडियो अपलोड करने के लिए और अभी देखो बारिश कितना तेज होने लगा है और हम भीग भी गए हैं काफी हद तक। और ये वीडियो अपलोड करने वाला प्रॉब्लम पता नहीं कब दूर होगा। देख रहे हो पूरा ऊपर ये सब गलगल हो गया है, थोड़ी देर में हम लगता है पूरा का पूरा भीग जाएंगे। और यही नेटवर्क पकड़ रहा भैया, घर के अंदर चले जा रहे हैं, नेटवर्क छोड़ दे रहा है। और सच्ची बताएं ना, आधा घंटा के घंटा लगता है वीडियो अपलोड करने में, इतना क्या बताएं। मतलब ये मजबूरी है हमारी कि हम कैसे भी करके इसको हमें करना, चाहे भीगे चाहे जो भी हो, अब क्या कर सकते हैं भैया, रोजी रोटी है, इसीलिए हम मजबूरी में ये करते हैं। आप देखो भीग रहे हैं, इधर आए वीडियो अपलोड करने मतलब अजब गजब सीन है भाई साहब, क्या बोले। बारिश और तेज होने लगी, हम भीग जाएंगे। देख लो गाड़ी वाड़ी सब भीग गया है, इधर साइड देख लो पूरा एकदम भीगा भीगा है। हम भी कहीं बचे थोड़ो ना है, वहाँ तो पूरा एकदम भीग गया भाई। यहाँ एक आम के पेड़ के नीचे हैं ताकि थोड़ा दिक्कत ना हो बारिश से, इसलिए यहीं पर छिपे हुए हैं समझ लो। कोई शौक नहीं दोस्तों यहाँ पर आने का कि बारिश में आए हैं वीडियो अपलोड करने का, लेकिन एक टाइम वगैरह होता है, जैसे सुबह सोच रहे हैं अपलोड करने का 8-8 बजे के आसपास, तो अभी सुबह के 7:30 के करीब हो रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं 7:30, अभी देखो 15-20 मिनट से पहले स्टार्टिंग किए हैं वीडियो अपलोडिंग का, तो लगभग 7:40-7:50 तक जाएगा, मतलब आधा घंटा से ऊपर ही लगता है वीडियो अपलोड करने में। तो हम सोचे थे 8 बजे कर लेंगे, लेकिन अभी नेटवर्क स्लो फास्ट होता रहता है, इसलिए अपलोड करने में थोड़ा टाइम हो जाता है, कभी कभी 1 घंटा कभी कभी 2 घंटा लग जाता है अपलोड करने में, इसलिए कभी 8 बजे लोग अपलोड कर पाते हैं, कभी 9 बजे कभी 10 बजे, ऐसे होता है। पूरा देखो धरती एकदम भीग गई है पूरी की पूरी। तो दोस्तों अभी वीडियो अपलोड करके घर जा रहे हैं, वो देखिए दोस्तों आ गए, बारिश में भीग कर गए थे वीडियो अपलोड करने। भीग गए? हाँ हाँ, ये देखो ये टच करा इधर। ओ कहाँ थे? वही ना वीडियो अपलोड करने गए थे उधर घर से, ले जो मड़ा ना उधर। ठंड नहीं लग रहा है? लग रहा है थोड़ा सा। मेकअप किसका करेंगे? हाँ मेरा मेरा तो आगे साथ में करो। इसको करा था।
लोगी इतना मैं कफी हो तो? अब से 20,000 20,000 5,000 मामा को दिखाने जाए मैं कब? चलो साथ में। ए जी वो आकृति मेरा ना मेकअप की है। वाह जी वाह, क्या ही मेकअप की है। अच्छा है? अच्छा तो बहुत ज्यादा है। क्या ला पैसा? ला। कितना पैसा? 10 रुपए। कल कितना मांग रही थी मेकअप के? 20 रुपए। 10,000 मांग रही थी। 10,000 तो 10,000 से सीधा तो 10 रुपए पे आ गई। अब इतना कम बजट कैसा हो गया तेरा कीर्ति? पहले दूंगा पैसे तब बोलेगी। हाँ। रुक, तेरे को पैसे देता हूँ, रुक जा, ये ले। अरे रुक तो जरा, कहाँ से सीखी है मेकअप? अपने घर से, अपने दादी घर से। अच्छा, और ये तू ये क्या लगाई होठ पर? जो पलक पे लगाना चाहिए। अच्छा, जो पलक पे लगाना चाहिए वो होठ पे लगाई है। दोस्तों अभी दोपहर का वक्त है और अभी भी बारिश हो रहा है बाहर। धूप होगा कि नहीं होगा अभी पता नहीं, ऐसे ही रहेगा शाम तक आज का मौसम। कौन दिया है? तुम। हम? आप। देखे तो दिखाओ, अच्छा लग रहा है। ये तो मेरी साड़ी से मैच कर रहा है, मुझे भी लगा दो। देखो। बैठे लगाओ, लगा लोगी? लेंगे। हाँ। कितना लोगी? आपसे 5 रुपए। आपसे 5 रुपए? हाँ। ओके, लग गया? हाँ, वो वाला हाथ। अच्छा लग रहा है? हाँ। अच्छा लग रहा है दोस्तों, आप लोग बताइए कमेंट में। अरे बाप रे, कितना बारिश हो रहा है सुबह 4 बजे से और अभी तक बारिश बंद नहीं हुआ है, और बारिश तेज से भी नहीं हो रहा है, धीरे धीरे ही बारिश हो रहा है, मतलब कम कम थोड़ा थोड़ा, बट सुबह 4 बजे से ही 12 बजे तक ऐसे ही दिन रह गया। और ये देखिए दोस्तों, इधर अरुषी सो रही है और इधर ये बिंदास सो रहे हैं। अब जब एडिटिंग करेंगे ना तब इन्हें पता चलेगा कि हम इनके ब्लॉग शूट कर रहे थे। दोस्तों अभी दोपहर के 3 बज चुके हैं और बारिश तो बिल्कुल एकदम बंद हो गया है, बारिश का नामो निशान नहीं है। कहाँ है जी? यहाँ पर है ये। और अम्मा तबीयत तो ठीक है? अम्मा का तबीयत थोड़ा सा खराब चल रहा है इस बीच में। दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये बोका नाम का एक कीड़ा होता है, टिड्डा टिड्डा। मेरे हाथ में नहीं है, अब मैं हाथ में होने की एक्टिंग करूँगा कि मेरे हाथ में टिड्डा है। दरवाजा बंद है। अरे सिरकिन, अरे खोदी बाप रे, सिरकिनट की मार दिया गया है। नहीं हाथ में है। खोलिए ना हाथ में, ना ये खोलिए, हाथ दिखाइए। नहीं हाथ में, खोलिए ना, हम बोल रहे हैं। हाथ में ना? नहीं है। हाथ में नहीं है, खोलिए ना। तो काय मुंडी बांधे हैं हाथ में? हूं। जब बोल रहे हाथ में नहीं है तो क्या? कहां गए रे? लो ये लो प्रसाद, प्रसाद प्रसाद, ये लो प्रसाद, प्रसाद ले लो, प्रसाद ले लो। दोस्तों ये देखो हाथ का कमाल, ये लो प्रसाद, प्रसाद ले लो, ये लो ले। देख रहे हो दोस्तों हाथ का कमाल, देखो हाथ का। ये देखो, ये देखो, अरे हाथ तो देख लो पहले एक बार यार, हाथ तो देखो एक बार, कुछ है ही नहीं हाथ में। अरे बाहुलिया बिगड़ गया देख लो। अरे बाप रे, बिचारी का हुलिया एकदम बिगड़ गया, डर लग गया क्या जी? सॉरी
सॉरी हाथ में था ही नहीं कुछ है। था बैठा था हाथ में, वो आपका भरम था। कब से बोल रहे हाथ में नहीं है नहीं है, ये रहा। देखो हाथ से इतना डर, आप हाथ से इतना क्यों डर रही हैं? हाथ में था नहीं था, आपका भरम है यार ये। अभी नहीं था वहाँ पर। बाहर तो था लेकिन अंदर नहीं था ना। बाप इतना डर गई यहाँ पर, बाप पसीना देखो, री राम हो, इतना ज्यादा डर गई जी आप। अरे बाप पसीना पसीना हो गया माथा, ये देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, पूरा माथा पसीना पसीना हो गया। सॉरी 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 आ रहा बार। ये देखो अंदर गई, दरवाजा बंद। बाप रे, अरे अरे हम कुछ छोड़ा कर रहे हैं। अरे बाप रे, इससे ही लोग इतना डर रहे हैं। इसको मैं दूर से साइड फेंक दूं, इधर से आजाद कर देता हूँ इसको। इसको इधर साइड फेंक देता हूँ, उड़ जा भाई, जा दूसरी दुनिया में। अरे ये देखो ओ भाई मैंने उड़ा दिया इसको, देखो मेरे पास आ गया। ये कैसे हो सकता है? उड़ गया, इस बार उड़ गया। चलो उड़ गया जी, उड़ गया, सच्ची में उड़ गया, झूठ नहीं बोल रहे, सच्ची में उड़ गया, झूठ नहीं बोल रहे। देखो डर गई बेचारी, दरवाजे भी नहीं खोल रही हमको आने के लिए अंदर। सच्ची में उड़ गया, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं जी, सच्ची में भगवान कसम उड़ गया वो उड़ गया। मजाक नहीं करेंगे हम अब, मजाक नहीं, सच्ची में उड़ गया वो। बोका आ रहा, टिड्डा 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 बोका, उड़ गया वो उधर साइड। ये क्या हो गया इसको? अरे बाप, इसके सिर में से ये आ गया इसके हाथ में। अरे बाप रे बाप, सब अलग ही दुनिया में घुस गए हैं। अरे भाई हो गया कितना टाइम तक? अरे भाई बाइक पर ही सुसु कर दिया। अरे बाप रे बाप। तो दोस्तों जगह का प्रॉब्लम था, इसलिए दोस्तों हम लोग एक सोफा यहाँ का और यहाँ का एक सोफा यहाँ से हटा दिए हैं, और अभी एकदम तगड़ा वाला साफ सफाई चल रहा है रूम में। चारों तरफ पूरा कूड़ा करकट कचरा जैसा दिखाई दे रहा है। एक सोफा हम लोग दोस्तों यहाँ पर रख दिए हैं गैलरी में, और एक सोफा दोस्तों हम लोग इधर वाला रूम में बक्सा के पास रख दिए हैं। और अभी हम लोग का जगह वाला प्रॉब्लम काफ़ी हद तक दूर हो गया है। इसको दोस्तों हम लोग थोड़ा सा जहाँ पर था ना वहीं पर रहने देंगे, और इसको थोड़ा सा इधर साइड कर देंगे, थोड़ा सा इधर, ताकि उधर स्पेस रहे। और वो जो क्या बोलते हैं जी, उसे कपाट बोलते हैं ए जी, उसको कपाट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? अच्छा ड्रेसिंग टेबल, तो उसको प्रॉपर यूज किया जा सके, क्योंकि बीच में जगह ही नहीं बच रहा था। देखो यहाँ पर शीशा दिया गया है, ये बस शीशा, इस शीशा दिया गया है, इसको देखने के लिए यहाँ पर बैठना जरूरी है ना, तभी ना यूज हो पाएगा, तो बड़ा प्रॉब्लम होता था। तो अभी इसको हम लोग थोड़ा सा इधर कर देंगे, उसको उधर कर देंगे, तो हम लोग का रूम काफ़ी हद तक सेट हो जाएगा। तो अभी जो कूड़ा करकट कचरा वगैरह है इसको भी हम लोग साफ सुथरा एकदम कर देते हैं। और ये देखिए ये बेडशीट को कैसे सेट कर रही हैं, क्या होता है इसको, ककही नहीं, रेजा रेजा रेजा, रेजा, रेजा राजा 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 का रेजा में समाजा। साफ सुथरा पूरा सब क्लीन हो जाएगा, सारा सामान वगैरह रख दिया जाएगा, तब दिखाते हैं आपको कैसा दिखेगा हमारा रूम। दोस्तों धान की रोपाई की हुए 20-25 दिन हो चुका था, तो अभी वक्त आ चुका था खेत में खाद छींटने की। अभी ले जा रहे हैं खाद छींटने के लिए, 350 रुपये पड़ा है। अभी जस्ट घर के सामने ही आ चुके हैं। तो दोस्तों फाइनली रूम में सारा सामान वगैरह एकदम बढ़िया तरीके से सेट हो चुका है, और अब देखो रूम कितना बढ़िया दिखने लगा है, और लाइट भी आ गया ना, तो रूम की क्वालिटी देखो कितनी बढ़ गई, कितना प्यारा लगने लगा है वो देखो भाई साहब। सच सच बताना दोस्तों अभी रूम कैसा दिख रहा है? और हम लोग भी दोस्तों एकदम बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, हम लोग जाने वाले हैं कहीं, और पता है कहाँ जाने वाले हैं? घूमने। आप उस दिन उधर का अपने शहर का नज़ारा दिखाए थी, आज हम अपने इधर गांव देहात का शहर का नज़ारा दिखाएंगे।
तो चलोगी घूमने? पक्का? तो अभी हम लोग चल रहे हैं दोस्तों घूमने। शादी के बाद पहली बार इनको अपना गांव देहात का इधर का नजारा दिखाने के लिए ले जा रहे हैं इनको बाइक पर, तो मजा आएगा। चलिए रूम देखिए दोस्तों कितना प्यारा लग रहा है। ये वाला साड़ी में ना सच में बहुत प्यारी दिखती हो आप। अब घूंघट काट ली है। यही तो नई नई दुल्हन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बोले या फिर रीति रिवाज बोले जो भी बोले है ना जी। हाँ जा रहे हैं ना कहाँ? ऐसे घूमने जा रहे हैं, थोड़ा घुमा उमा लाए। ओ आइए ना प्रीति जी, आइए बैठिए बैठे। निकले हम लोग, बैठ गए, चले चल रहा नम्मा पकड़ लीजिए ठीक है। तो दोस्तों हम लोग गांव से बाहर निकल चुके हैं, इनको शायद कुछ खरीदना वगैरह भी है, खरीदना है ना जी कुछ है। तो चल रहे हैं, दोनों काम हो जाएगा, घूमना फिरना भी हो जाएगा और इनके लिए कुछ खरीद भी देंगे जो इनको खरीदना है, जो जरूरत है इनको। ऐसा लग रहा है क्या करोगे जी? जब देखो नई नई दुल्हन हो तो समझ सकती हो, आप तो घूम फिर रही हो, बिचारियों का औरों का क्या हाल होता होगा सोचो जो गांव देहात में रहती है। गांव देहात में बस चार दीवारी में बंद रहना यही सब होता है। दोस्तों फाइनली हम लोग मेन रोड पर आ चुके हैं। हम लोग दोस्तों बाइक खड़ा कर दिए वहाँ पर और सैंडल वाले दुकान पर आ चुके हैं। लेडीज सैंडल होगा चाचा? चलिए जी अंदर चलिए, मिल जाएगा यहाँ पर। सैंडल आ चुका है देखिए जी, देख लो कैसा है ये भाई साहब। देखो लहंगा वाला पहनी है, एक लाए थे हम लोग लेकिन वो साइज घर वाले लाए थे तो साइज थोड़ा छोटा बड़ा हो गया था, उसलिए वो वाला सैंडल नहीं पहन पाए हैं। तो भी ये सही है, और सैंडल कैसा है मतलब पसंद है ना? अरे मतलब पसंद होगी ना, ऐसे मतलब मिल गया तो चलो ठीक है। और दो चार देख लें करना। हाँ ठीक ठीक भैया, दो चार और दिखा दीजिए। लो अब तो पसंद आ ही जाएगा, मॉडल आ गया एकदम, अब तो पसंद आ ही जाएगा कोई ना कोई। दोस्तों सारे सैंडल में से इनको ये वाला सैंडल पसंद आया जो कि शुरुआत में आ गया था, भैया जी को झुट्टो परेशान होना पड़ा इतना सारा सैंडल दिखाने के लिए। तो यही वाला ठीक है ना? तो ठीक है दोस्तों हम लोग यही वाला सैंडल ले लेते हैं। पक्का ना? घर जाने के बाद ये मत भूलिएगा कि वो उसको ले लिए, वो तो इसको उसको, ठीक है पक्का। तो दोस्तों घर की ओर निकल दिए हैं, जो कुछ भी सामान वगैरह लेना था सब ले लिए हैं, और सैंडल के अलावा भी कुछ लेना था, पका हुआ आम लिए हैं और चूड़ी भी लेना जी। तो सब कुछ जितना भी लेना था सारा कुछ सामान वगैरह लेकर हम लोग घर को चल दिए। तो हम लोग अपने गांव के करीब पहुंच चुके हैं, वो देखिए टावर भी दिख रहा है। घर आ चुके दोस्तों। एम्मा ये लान पका आम लगा कर ले ला रही, तो सिया रख खा ली। ये देखो अच्छा है, बहुत अच्छा तो है शादी। हां और वो वाला सैंडल था ना जो जीवन फल कर रहे थे, उसके पर हमने फिर पैर में वो छाला उठा कर रहे थे, ये वाला दिखा रहे हैं। दीदी कैसन बा सैंडल? ठीक बना ये हो जात बस, साइज बढ़िया बा, ठीक बना दीदी। दीदी बढ़िया है ना, मस्त है। इनके लिए चूड़ी लाए थे हरे कलर की, जो चूड़ी लाए थे इसके पहले ना वो इनको बड़ा पड़ गया था, सॉरी छोटा पड़ गया था, साइज नहीं हो पा रहा था, तो अभी दूसरा लाए हैं इनके लिए चूड़ी। तो ये रहा दोस्तों इनके लिए चूड़ियाँ, और आप लोग बताओ कैसा लग रहा है? बहुत सही में बहुत प्यारा दिख रहा है जी, रियल में भी और मोबाइल में भी। ये हरे कलर और गोल्डन कलर का कॉम्बिनेशन है, अरे बहुत ज़्यादा चमक रहा है चूड़ी, देखो दिख भी नहीं रहा सही से। ये देखो अब दिख रहा सही से, आप लोग बताओ कैसा लग रहा है? शादी के बाद दोस्तों पहली बार इनको शॉपिंग कराए हैं और इनको सच में बहुत पसंद आया है, जो जो चीज़ इनके लिए खरीदे हैं पसंद आया ना जी एकदम। ज़्यादा तो शॉपिंग नहीं कराए हैं कि बहुत सारा सामान वगैरह खरीद दिए हैं,
लेकिन जिन जो चीज़ों की इनको इस समय ज़रूरत थी वही खरीदे हैं। और हम लोग का प्लान ऐसा नहीं था कि वहाँ पर जाके कुछ सामान वगैरह खरीदे, ऐसे ही इनको घुमाने का मन कर रहा था, लेकिन फिर इन्होंने बोला कि वो वाला सैंडल हो नहीं रहा जो अम्मा लाई थी वो, हाँ अम्मा लाई थी वो, तो उनको नहीं पता था इनका पैर में कौन सा साइज लगेगा, तो वो थोड़ा छोटा ले आई थी, तो फिर इसलिए दूसरा सैंडल वहीं से सोचे ले लेते हैं। और इनको चूड़ियों की भी ज़रूरत थी, चूड़ी जो लाए थे वो भी छोटा पड़ गया था, तो वो चूड़ी और वो सैंडल इसलिए लेना पड़ा। बाकी और कोई काम से नहीं गए थे, तो आज काफ़ी हद तक घूम लिए आप, मज़ा आया होगा आपको। और हम लोगों को भी अब इस ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, और आप लोग लाइक भी नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा इस ब्लॉग को, अगर पसंद आया तो भाई लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो एंड कर दीजिए, बाय बाय। तो चलिए दोस्तों आप लोगों से मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अरे यार इतना फास्ट बाय मतलब।